सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलीन। दोस्तों, होली आने वाले हैं और साथ में गर्मी की टाइम भी आने वाले हैं। इन दिनों ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है, तत्काल टिकट। तो आज के वीडियो में बताऊंगा आप लोग 100% कन्फर्म तत्काल टिकट अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे बुक कर सकते हैं, और आप लोग बुक करते समय क्या क्या मिस्टेक कर जाते हैं जिसकी वजह से आप लोग तत्काल टिकट कन्फर्म बुक नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर आजकल 8 मिस्टेक तो नॉर्मल व्यक्ति कर ही जाते हैं, जिनकी वजह से वो लोग तत्काल टिकट कन्फर्म बुक नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में यही मैं कवर करने वाला हूँ, क्या क्या आप लोग मिस्टेक करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे यदि आप लोग कन्फर्म टिकट बुक करना चाहते हैं तो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, नंबर वन, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं IRCTC के वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर IRCTC के रेल कनेक्ट ऐप से कर रहे हैं, तो आप लोगों को इंटरनेट स्पीड काफ़ी हद तक सही होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट से ट्रेन टिकट बुक कर ले तत्काल में, वो भी हार्ड रूट में, तो ये मुश्किल है। तो इसके लिए आप लोगों को इंटरनेट स्पीड काफ़ी हद तक अच्छा होना चाहिए, यानी कि 100 Mbps स्पीड होना ही चाहिए। इसके लिए आप लोग ब्रॉडबैंड यूज कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर टू, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो तत्काल टिकट बुक करने से पहले 1-2 घंटे पहले आप लोगों को IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को अपडेट कर लेना है। कई बार ऐसा होता है जब हम तत्काल टिकट बुक कर रहे होते हैं तो हमारा IRCTC रेल कनेक्ट ऐप काफ़ी ज़्यादा स्लो वर्क करता है, तो कई बार तत्काल टिकट बुक करते टाइम भी IRCTC रेल कनेक्ट ऐप अपडेट मांग लेता है, की वजह से भी कई बार हम लोग तत्काल टिकट कन्फर्म बुक नहीं कर पाते हैं। नंबर थ्री, आप लोग जब भी तत्काल टिकट बुक करते हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से, तो आप लोग को मास्टर लिस्ट बना लेना है, यानी कि पैसेंजर डिटेल पहले से ही आपको सेव करके रखना है। आप लोग कैसे बना सकते हैं मास्टर लिस्ट? कई बार आप लोग मास्टर लिस्ट बनाने में भी मिस्टेक कर जाते हैं, तो सिंपल आप लोगों को IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को माई अकाउंट पर क्लिक करना है, इसके बाद माई मास्टर लिस्ट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड पैसेंजर पर, सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नाम टाइप करना है, जो भी नाम है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद, मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने समय आप लोग काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं। आप लोग यहाँ पे लोअर मिडिल अपर बर्थ नहीं सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऐड पैसेंजर पर क्लिक करना है। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से या फिर IRCTC के वेबसाइट से, तो आप लोगों को एक साथ दो ही नाम बुक करना है, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तत्काल टिकट बुक करने में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को लास्ट में आपको बता दूंगा। इसके बाद मिस्टेक नंबर फोर्थ, जब आप तत्काल टिकट बुक कर रहे होते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये होता है, आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को किस टाइम लॉगिन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि लॉगिन करते समय यदि मिस्टेक कर जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे 3 मिनट पहले 2 मिनट पहले लॉगिन करते हैं, जिससे कि तत्काल टिकट बुक करने के समय IRCTC पेज लॉग आउट हो जाता है, तो कई बार उनका पेमेंट की टाइम करते समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिससे वो तत्काल टिकट कन्फर्म बुक नहीं कर पाता है। तो आप लोगों को 30 से 40 सेकेंड पहले आप लोगों को लॉगिन करना है। यदि आप लोग AC के टाइम टिकट बुक कर रहे हैं तो 9:59:10-20 सेकेंड में आपको लॉगिन करना है। यदि आप स्लीपर के टाइम टिकट बुक कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 10:59:10-15 सेकेंड पे आप लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे प्लान वाइज जोनिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद फॉर्म स्टेशन टू स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कोटा सेलेक्ट कर लेना है। कोटा सेलेक्ट करने के बाद सर्च ट्रेन पे किस टाइम क्लिक करना है। कुछ लोग यहाँ पे सर्च टाइम पे नेट 11 बजे सेलेक्ट क्लिक करते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे एग्जेक्ट 10 बजे क्लिक करते हैं, जिससे कि उस लोगों को तत्काल टिकट बुक करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आप लोगों को किस टाइम क्लिक करना है, जब भी आप सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे, यानी AC है या फिर स्लीपर है, तो आपको 3 से 4 सेकेंड बाद आप लोगों को सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। यानी कि यदि AC बुक कर रहे हैं तो 10:03 पे आप लोगों को सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना है। सर्च ट्रेन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। इस रूट में जितने भी ट्रेन होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद सिंपल आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना है। दोस्तों, जब हम तत्काल टिकट बुक करते हैं तो कई बार हमें रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे सीट शो नहीं करता है, और यहाँ पे हम लोग सीट पे बार बार रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं, जिससे कि होता क्या है, अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर आ जाता है और हमारा पेज जो है लॉग आउट हो जाता है। यदि आप लोगों के पास भी इस तरह के प्रॉब्लम आता है तो सिंपल आप लोगों को कुछ नहीं करना, एक बार रिफ्रेश करके छोड़ देना है। इसके बाद जैसे ही 11:01 होगा तो आप लोग ऑटोमेटिक यहाँ पे शो, आपको सीट यहाँ पे शो
कर देगा। इसके बाद इजीली आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे आप लोग बार बार रिफ्रेश क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पेज लॉग आउट हो जाएगा। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपने मास्टर लिस्ट में नाम सेव कर रखे हैं सिंपल आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पैसेंजर पे क्लिक करना है। सेलेक्ट पैसेंजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बुक टिकट ओनली कंफर्म बट अलाउड कर देना है। इसके बाद कुछ लोग यहाँ पे एड्रेस फिल करने में मिस्टेक कर जाता है। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो एड्रेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि डिस्टेंस कहाँ आपको जाना है। तो आप लोगों को जहाँ जाना है वहाँ फर्स्ट लाइन में आपको सिंपल फिल करना है। इसके बाद सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन आपको छोड़ देना है, कुछ भी फिल नहीं करना है। इसके बाद फोर्थ लाइन पर आना है और यहाँ पर आपको सिंपल पिन कोड फिल कर लेना है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करना है। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करते हैं, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो कई बार होता है कि हमारा जो तत्काल टिकट बुक करने के टाइम प्लीज़ वेट बुकिंग बुक टिकट पे ऑप्शन पे आके रुक जाता है, यानी 30 सेकेंड 40 सेकेंड 50 सेकेंड पे रुक जाता है। तो आप लोगों को रिव्यू जोनी डिटेल पे किस टाइम क्लिक करना है। यदि आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो रिव्यू जोनी डिटेल पे आपको 11:01-3:04 पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों को फिर से एक कैप्चर फिल करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फटाफट कैप्चर फिल करना है। इसके बाद प्रोसेस टू पे पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग फाइनली पेमेंट पे आ जाएंगे। पेमेंट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पेमेंट कैसे करना है। आपके पास यदि UPI है यानी कि फोन पे यूज करते हैं, तो आप लोग HDFC बैंक यूज करते हैं तो आप फर्स्ट में आपको HDFC बैंक को ट्राई करना है, क्योंकि आप HDFC बैंक से यदि पेमेंट करते हैं तो 3-4 सेकेंड के अंदर में आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग काफ़ी तेज़ी से तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे यदि आप लोग HDFC बैंक यूज करते हैं तो। यदि आपके पास HDFC नहीं है तो फ़ोनपे आप लोग किसी भी बैंक यूज कर सकते हैं सेकेंड नंबर में। थर्ड नंबर की बात किया जाए आप लोग पेटीएम वॉलेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पेटीएम वॉलेट काफ़ी अच्छे पेमेंट करता है, यानी कि काफ़ी जल्दी मैसेज आ जाते हैं मोबाइल पे, OTP फिल करते ही आप लोगों को पेमेंट हो जाएंगे। तो यदि आप लोग तत्काल टिकट बुक करते समय यदि इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से इजीली तरीके से कंफर्म तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। इसके बाद भी आप लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम आता है तो आप लोगों को करना क्या है, IRCTC न्यू अकाउंट बनाना है। इसके बाद आप लोग न्यू अकाउंट से तत्काल टिकट बुक करना है, क्योंकि वो अकाउंट बिल्कुल फ्रेश रहेगा, तो जिससे कि आप लोग इजीली तरीके से कंफर्म तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा भी मैंने देखा हूँ, यदि आप लोग ओल्ड IRCTC अकाउंट है यदि उससे आप लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं तो तत्काल टिकट बुक करते समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। कई बार आप लोगों को IRCTC पेज लॉग आउट हो जाएगा, तो कई बार आप लोगों को पेमेंट करते समय एरर देखने को मिल जाएंगे। यदि आप लोगों के पास इस तरह के प्रॉब्लम आता है तो आप लोगों को अकाउंट न्यू अकाउंट बना लेना है इस टाइम होली के टाइम, और आप लोग इजीली तरीके से कंफर्म तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। बस आज के वीडियो बस इतना है। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।